नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इंडियन रेलवेज की तरफ से ये कहा गया था कि अब हम राज्य सरकारों से नहीं पूछेंगे कि किन मजदूरों को कहां ले जाना है और कहां नहीं, ये अब सिर्फ केंद्र का फैसला होगा। जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लेकर चिंता जताई है। दरअसल हेमंत सोरेन इसलिए चिंतित हैं क्योंकि केंद्र सरकार की नई एडवाइजरी के अनुसार महाराष्ट्र से 1500 प्रवासी मजदूरों को लेकर चली ट्रेन महाराष्ट्र के ही किसी स्टेशन में पिछले 8-10 घंटे से फंसी हुई है और हेमंत सोरेन को इस बात का डर है कि कोई अनहोनी ना हो जाए क्योंकि वहां पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप सुनिए। देखिए, ट्रेनों का आवागमन लगातार रहा है, नब्बे सौ के लगभग ट्रेन आ भी चुकी हैं हमारे यहाँ और 90-100 की और आने की भी हमारी पाइपलाइन में थी, मतलब वो शेड्यूल भी था। लेकिन अब इसी बीच केंद्र सरकार ने नई एडवाइजरी जारी किया है जो अब केंद्र सरकार ही, मिनिस्टर ऑफ रेलवे ही, अब कहाँ से कितनी ट्रेन चलेगी, कब चलेगी, इसका निर्धारण करेगी। ऐसा एडवाइजरी राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है और आज नतीजा इसका ये हुआ कि महाराष्ट्र से एक ट्रेन झारखंड के लिए चली है जहाँ जिसमें लगभग 1500 यात्री हैं झारखंड के, और ये कहीं महाराष्ट्र के किसी स्टेशन में लगभग अभी 8-10 घंटों से खड़ी, ना वहाँ खाने की व्यवस्था है ना पीने की व्यवस्था है। और इसका लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है, लगातार भारत सरकार और रेलवे को इसकी जानकारी दी जा रही है, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भी कोई बड़ी घटना ना घट जाए ये हमें चिंता है और इसको लेकर के पदाधिकारी लगातार केंद्र सरकार के पदाधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और हम देखते हैं इस पर हम लोग क्या और बेहतर रास्ते निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों का और भी ट्रेनों को आना था, ऐसा नहीं कि हरियाणा से नहीं, पूरे देश से लाने की हमारी मंशा है कि लोग हम जिनको आना है वो आए और बहुत लोग आए भी हैं। कुछ लोग अपने तरीके से आए, अपने संसाधनों के माध्यम से आए, ट्रेनों के बसों के माध्यम से आए, प्राइवेट गाड़ियों के माध्यम से आए हैं। और चूँकि लोगों में काफ़ी मतलब एक असुरक्षा का भाव घर कर गया है जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा बहुत गति से निकल रहे हैं और अभी हम लोग लगातार इस आज की नया एडवाइजरी का असर थोड़ा सा ठीक हमें नहीं दिख रहा प्रतीत हो रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। नहीं तो कल फिर केंद्र सरकार से कोई हम वार्ता करके इसके लिए कोई अलग रास्ता राज्य सरकार के लिए तैयार करे, ऐसा हम आग्रह करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी चिंतित हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर क्योंकि 8-10 घंटे से ट्रेन फंसी हुई है, उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कई सारी ट्रेनें झारखंड में आ चुकी है और बहुत ट्रेनों का आना प्रवासी मजदूरों के साथ में अभी बाकी है जिनका इंतज़ार राज्य सरकार अभी भी कर रही है। आप लाइव सीरीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।